हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए माइंड क्विक चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाइए मेरे लेटेस्ट। दोस्तों, माइंड क्विक पे फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जासूसी पहेली में दो मजेदार पहेली सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहेली की शुरुआत करते हैं। जेठालाल और बबीता जी एक अंधेरे कमरे में बंद है। वहां पर ना तो बिजली है और ना ही पानी, और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तीन दरवाजे हैं। उसमें से एक दरवाजे के पीछे दो जहरीले सांप है, जिसे काटने से जेठालाल और बबीता जी की मौत भी हो सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे दो मगरमच्छ है, जिसने एक साल से खाना नहीं खाया। अगर जेठालाल और बबीता जी उन दरवाजे से जाएगा तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे बिजली की वायर है, अगर जेठालाल और बबीता जी वहाँ से जाएंगे तो करेंट लगेगा और वह मर जाएंगे। तो क्या दोस्तों, अब आप लोग बताइए जेठालाल और बबीता जी कौन से दरवाजे से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? आप आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके पास पूरे 10 सेकंड का समय है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज या रिमाइंड कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों, आप इसका आंसर सोच पाए? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। क्या आपका आंसर दरवाजा नंबर 2 था? अगर हाँ, तो आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मगरमच्छ बिना खाए 1-2 साल तक जी सकता है। तो इसका सही जवाब है, क्या आप बता पाए थे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही जवाब है दरवाजा नंबर 3। अगर जेठालाल और बबीता जी दरवाजे नंबर 3 से जाएंगे तो बबीता जी और जेठालाल को कुछ भी नहीं होगा और वह दोनों सही सलामत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पहेली की शुरुआत में बताया था कि वहाँ पर बिजली नहीं तो करंट लगेगा ही नहीं। इस तरह जेठालाल और बबीता जी वहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरी पहेली की ओर चलते हैं। आपके सामने एक पिक्चर आई है। तो दोस्तों, इस पिक्चर को देख के आप मान लीजिए कभी दया भाभी और बबीता ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। जेठालाल इन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता है। तो आपको क्या लगता है, जेठालाल अपने बेस्ट फ्रेंड बबीता जी और वाइफ दया में से किसे बचाएगा? इन तस्वीर को ध्यान से देखें और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज या दोबारा देख सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों, आपका आंसर आया? अगर नहीं आया तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इस सिचुएशन में जेठालाल अपने दोस्त बबीता को बचाना चाहिए, क्योंकि दया भाभी के साइड पर लगा सिग्नल रेड है, यानी लाल है, यानी सिग्नल देखते ही वह ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड बबीता जी के तरफ लगा सिग्नल ग्रीन है। इसका मतलब है बबीता जी की जान को खतरा है, इसलिए जेठालाल अपनी प्यारी दोस्त बबीता जी को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टट्टा बाय बाय।